हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, जो कि आपका पैरामेट्रिक का एक्सरसाइज था। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को सोल्यूशन सब समझ में आया होगा। बाकी जो आज हम लोग का टॉपिक है वो थोड़ा हटके हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हम लोग डीवाई बाई डीएक्स निकालते थे, अब हम लोग ये देखेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब होता है किसी फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना, किसी फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लीजिए जिसमें आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ, y इक्वल टू अगर आपको x क्यूब दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछूँ dy by dx तो आप क्या बोलेंगे, 3x square, आपने कैसे बोला, x की पावर n का फार्मूला लगाया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की टू पावर n माइनस 1, तो dy by dx आपको ये मिल गया। अगर मैं बोलूं आप इस फंक्शन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, इस फंक्शन को आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो आपको कितना मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। 3x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x square आप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, 3x square को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x cube का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, 6x। अगर मैं इसको बोलूं एक बार और डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, 6। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको कैसे लिखेंगे, d³y / dx³। तो कितना हो जाएगा, d³y / dx³ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यही होता है किसी फंक्शंस को दो बार डिफरेंशिएट करना। मान लीजिए अगर आपको y फंक्शन कोई f(x) तो dy/dx कितना होगा, f'x। अगर आपको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ dy/dx मींस अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ dy/dx कितना, d²y/dx², इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं d²y/dx², और इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है, आप लोग देख लीजिए। जैसे हम लोग dy/dx को क्या लिखते थे, f'x लिखते थे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में केस में क्या हो जाएगा, f"x। वहां पे क्या करते थे हम लोग, y प्राइम, यहां पे क्या हो जाएगा, y"। वहां पे क्या लिखते थे, y1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y2। बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सब कुछ 2-2 हो जाएगा, जहां पे वहां वहां 1-1 होता था। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, आप लोग लिख लेंगे, सब एक ही चीज है, y2 बोलेगा तो आप लोग क्या समझेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y" बोले, f"x बोले, d²y/dx² बोले, सबका मतलब वही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस फंक्शंस को दो बार डिफरेंशिएट करना है। आप लोग इसको लिख लेंगे एग्जांपल नंबर 1 डाल के, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल था, y = x³, तो dy/dx कितना होगा, 3x², इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था dy/dx, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, कितना मिला, 6x, ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कितना मिला, 6। आप लोग जो कुछ भी समझे हैं अपने लैंग्वेज में स्क्रीन पॉज करके लिखिए, बाकी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बताना है, वही dy/dx और d²y/dx² अगर आपका y ये दे रखा है। तो एग्जांपल नंबर 1 आप वो लिख लीजिएगा जो मैंने वहां लिखा था। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, y आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, y = x³ + 3x² + 6x + 5 y = ये आपको दे रखा है। dy/dx बिल्कुल सिंपल है, dy/dx आप क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² + 3x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x + 6x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6। 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपका क्या आ गया, dy/dx आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, d²y/dx², इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d²y/dx² आपका क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx dy/dx ऑफ dy/dx आपका कितना है, 3x² + 6x + 6 मींस इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से dy/dx मींस d/dx ऑफ 3x² + 6x + 6 dy/dx आपका यही तो है, तो dy/dx जगह आप क्या लिखेंगे, 3x² + 6x + 6 मींस d/dx ऑफ 3x² + 6x + 6 दैट इज d/dx ऑफ 3x² + 6x + 6। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x
प्लस 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आपको कितना मिल गया 6x प्लस 6, आप लोग 6 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर कितना आ गया 6x प्लस 1, तो मींस कहने का मतलब है जो dy बाई dx आता है हिंदी में समझिए शुद्ध हिंदी में उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए वही आपका d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होता है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2 जो कि बिल्कुल बेसिक था, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि अप्लाई कैसे करते हैं, बाकी अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, y is equal to x cube log x find d square y by dx square, तो d square y by dx square निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dy by dx, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे dy by dx, फिर उसके बाद उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा d square y by dx square, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप लोग बाकी जितना क्वेश्चन किए हैं dy by dx पे, जितना क्वेश्चन अब तक पहले कर चुके हैं, अब सारे क्वेश्चंस को आप लोग फिर से कर सकते हैं d square y by dx square, आप लोग कैसे करेंगे, कंडीशंस आपका वही रहेगा कि आप लोग उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा d square y by dx square मिलेगा। तो y is equal to आपको कितना दे रखा है x cube log x, x cube log x लॉगरिथमिक फंक्शंस में मैंने आप लोगों को पहले बताया था जितने आप लॉग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे सबका बेस हम लोग लेट करके चल रहे हैं, बेस कितना है a, इसको आप लोग ln x भी बोल सकते हो क्योंकि बेस आपका a है। तो y is equal to x cube log x है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे dy by dx निकालेंगे, dy by dx हम लोग कैसे इसका निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल, पहले x cube को मैं कॉन्स्टेंट मानता हूँ, dy dx ऑफ log x प्लस इस बार मैं log x को कॉन्स्टेंट मानता हूँ dy dx of x cube, यहां तक बातें सबको क्लियर है, dy by dx निकाल रहा हूं जो अब तक करते आया हूं dy by dx, तो कितना हो जाएगा x cube log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस log x और x cube का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x square, तो यहां से 1x आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये x square प्लस 3x square log x, 3x square log x। अब हम लोग को क्या निकालना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आपका क्या होता है dy बाई dx आपका कितना आ गया है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, मीन सिंपली मैं बोलूं तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। अब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो 3 टाइम्स x स्क्वायर log x को डिफरेंशिएट कर लीजिए, x स्क्वायर को कांस्टेंट माना dy dx ऑफ log x प्लस प्लस 3 को मैं बाहर ले लेता हूं, 3 कांस्टेंट है x स्क्वायर log x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं प्लस log x को कांस्टेंट माना dy dx ऑफ 3x स्क्वायर d by dx of x square, sorry 3 मैं हटा रहा हूँ d by dx of x square, क्योंकि 3 मैंने बाहर ले लिया है तो x square log x को differentiate कर रहा हूँ, पहले मैं x square को constant माना log x को differentiate किया, फिर log x को constant माना x square को differentiate किया, ये आपका क्या हो जाएगा d square by dx square 2x plus 3 x square log x का differentiation क्या होगा 1 upon x, लेकिन क्या होगा cancel हो जाएगा एक x x x कितना बचेगा 3x plus x square का differentiation 2x log x, ये 3x plus 2x कितना हो जाएगा 5x, 5x plus 2x log x, यही आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन लेना हो तो x कॉमन ले लीजिए, बाकी ये था आपका x cube log x। ये क्वेश्चन शायद आपकी NCERT का है, NCERT में जहां तक मुझे याद आ रहा है NCERT में ये क्वेश्चन मैंने कहीं डिस्कस किया हुआ है, दूसरे लेक्चर्स में हो सकते हैं NCERT में कहीं डिस्कस किया हूँ ये क्वेश्चन आपका, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, कितना आ गया 5x plus 2x log x, तो dy by d square y by dx square हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग dy by dx निकालेंगे जो आपका आएगा, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा d square y by dx square, तो क्वेश्चन में आपसे वही पूछा था d square y by dx square, तो d square y by dx square कितना आ गया 5x plus 2 log x, 2x log x। चलिए जिनको फिर भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर वीडियो लेक्चर्स में और जो कुछ भी कमी लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी आप लोग ये क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस फंक्शन का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या शो करना है 49y है एग्जांपल नंबर 4 में आपके एनसीईआरटी का इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू दिस दे रखे सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वही डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। y फंक्शन आपको ये दे रखा है y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x e की पावर माइनस 7x। 500, 600 कुछ भी दे रखो ये आपके कॉन्स्टेंट है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 आपका कॉन्स्टेंट है e की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर 7x इंटू 7 तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 इंटू e की पावर 7x मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा चेन रूल्स में लिखा हूँ प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस 7 इंटू e की पावर माइनस 7x माइनस 7 ए की पावर माइनस 7x। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है dy वाई बाई डी एक्स मैंने कैसे लिखा है मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3500 ए की पावर 7x ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 4200 ए की पावर माइनस 7x। अब हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या होता है आपका डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना है इतना है मैं रख देता हूँ डी वाई डी एक्स ऑफ 3500 ए की पावर 7x माइनस 4200 ए की पावर माइनस 7x। हम लोग चलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पता आपका कैंसिल हो जाए 49y टाइम्स देख लेते हैं एक बार तो ये आपका कितना हो जाएगा 3500 मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ 500 इंटू 7 के फॉर्म में ही लिखता हूँ 500 इंटू 7 तो इस बार आपका e की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 7 इंटू e की पावर 7x उसके बाद मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ प्लस 600 इंटू माइनस 7 था मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ इंटू अब e की पावर माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस 7 इंटू e की पावर माइनस 7x आपका यही होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना बन रहा है 49 यहाँ पे माइनस 7 इंटू माइनस 7 कितना बन रहा है 49 तो 49 आपका क्या होगा कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। अब आप लोग ध्यान से देखिए 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x कितना है y है ये आपका कितना है y है तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देंगे 49y तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया 49y आपको वही शो करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अब आपसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप चेंजेस करते रहिए यहाँ माइनस 7x कर दीजिए एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ प्लस कर दीजिए एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कुछ भी करें कुल मिला के अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी मैं चलिए आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ साइन एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का बताइए साइन एक्स का स्क्रीन पॉज करके निकालिए चलिए देखिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स तो कॉस एक्स को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स तो कितना आ गया माइनस साइन एक्स आ गया साइन एक्स का अगर मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स का बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का बताइए तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा माइनस कॉस एक्स तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का क्या मिला माइनस साइन एक्स। अब मैं अगर आपसे ऐसे टेन एक्स का पूछ लूँ टेन एक्स का कितना होगा टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अब इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो आपको टेन एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रोकते हैं मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जैसे अब तक करते आए हैं उन्हीं फंक्शंस को जितने आप क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं जितने भी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं उन्हीं फंक्शंस को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए वही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस बन जाएगा। तो क्वेश्चन मैं इतनी रखता हूं बाकी मैं ऐसे कितने भी क्वेश्चंस लगवा दूं जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप लोगों को नहीं आने वाला है। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट उनका होमवर्क है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7
वो आपके इसमें इसी क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा, मैं वन बाय वन क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जैसे हम लोग पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वन बाय वन कंप्लीट सोल्यूशन, हम लोग उसी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को वन बाय वन सीरियसली ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन को देखिएगा। और आप लोगों को जो कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, मेल दिए हुए आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।